So coming to the major oceans of the world. So number one is the Pacific Ocean. No doubt it is the largest ocean. It contains 50% of the, that is half of the water found on earth. Kitna? Aadha, 50% of the water found in oceans. Area wise it covers around 28 to 29% of the area of the oceanic water surface. Total water body ka 28%. Itna bada area hai iske paas. That means its area is almost equivalent to the collective area of all the continents. Earth mein aapko pata hai 71% water or 29% land, that is continent. तो 29% continent है और खाली पैसिफिक ओशियन का सरफेस एरिया भी 28% है. That means इसका एरिया टोटल कॉन्टिनेंट्स के एरिया के लगभग बराबर है. अब आपसे सुनना मेरे को बात. The area, surface area of Pacific Ocean is almost equivalent to the collective area of all the continents. Number two, टोटल वॉटर ऑफ द अर्थ का 50% ऑफ द वॉटर बॉडी इज इन पैसिफिक ओशन. इतना क्लियर. देन जो पैसिफिक ओशन है कौन कौन से एरिया उसमें आते हैं अब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो दिस इज द पैसिफिक ओशन. So Pacific Ocean has two parts. जो इक्वेटर के ऊपर का Pacific Ocean है that is known as the North Pacific Ocean और इक्वेटर के नीचे का जो एरिया that is known as Southern Pacific Ocean. Pacific Ocean की जो बाउंड्रीज है दे आर मेड बाय एशिया ऑस्ट्रेलिया ऑन वन हैंड एंड ऑन अनदर हैंड द बाउंड्रीज आर मेड बाय नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका. देन इसकी सदर्न बाउंड्रीज बनाते हैं सदर्न ओशियन और इसकी नदर्न बाउंड्री फिर ऊपर जाके बनाता है बेरिंग सी आर्कटिक सी. ठीक. अब सवाल है कि ये पैसिफिक ओशियन कैसे बना होगा. हाउ द पैसिफिक ओशियन वॉज फाउंड. तो आपको पता ही है कि ये शुरू में एक ऑल सिंगल बॉडी थी. ठीक है. शुरू में एक ऑल सिंगल बॉडी थी. ऑस्ट्रेलिया और जो नॉर्दर्न अमेरिका वो एक साथ थे. धीरे धीरे क्या हुआ ये अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए. तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऊपर की तरफ और ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो दूसरे डायरेक्शन में उसने धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग की और धीरे धीरे क्या बना पैसिफिक ओशन बना. इतना क्लियर. देन हम बात करें डीपेस्ट पॉइंट की. तो पैसिफिक ओशन डीपेस्ट ओशन है नो डाउट. ये आप देख रहे हैं this is Mariana Trench, Marine Trench. This is the deepest point on earth जो कि पैसिफिक ओशन में है. 11 किलोमीटर डीप है. 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ. अब सवाल है ये कैसे बना होगा Mariana Trench कैसे बना होगा. इस पर भी विचार कर लें. इसकी लोकेशन क्लियर हो गई. ये देख रहे हैं जापान. ये देख रहे हैं फिलीपीन. इस साइड साउथ चाइना सी. ये है पोर्शंस ऑफ इंडोनेशिया. ये है पपुआ न्यू गुयाना. तो यहाँ पर है Mariana ट्रेंच. तो Mariana ट्रेंच यानी ये घाटी कैसी बनी होगी. ये घाटी ऐसे बनी होगी कि जो पैसिफिक प्लेट है कौन सी प्लेट ये आके टकराई होगी फिलीपींस वाली प्लेट से.
पैसिफिक प्लेट किससे टकराई? फिलीपींस प्लेट से, एंड ग्रेजुअली देर वॉज ए सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट जिससे ये ट्रेंच बनी। बड़े नक्शे में वही चीज बताई गई है, ये है पैसिफिक ओशियन की प्लेट जो कि रिलेटिवली कम थिक है, ये किससे टकराई? फिलीपींस प्लेट से। कैसे? फिलीपींस जो प्लेट है मोटी प्लेट है, तो सबडक्शन हुआ पैसिफिक प्लेट का, और सबडक्शन के कारण यहाँ पे एक बड़ी सी ट्रेंच बन गई जिसको हम कहते हैं मैराइन ट्रेंच, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर आया, प्रेशर से गैस निकली और गैस से कुछ आइलैंड्स बन गए जिनको हम बोलते हैं मैरियाना आइलैंड्स। क्लियर? देन कुछ एसोसिएटेड सी की बात कर लें। पैसिफिक ओशन से रिलेटेड ये इलाका है जिसको हम कहते हैं येलो सी। येलो सी जो है ये एरिया है कोरियन पेनिनसुला और चाइना के बीच का एरिया है, इसको कहते हैं पीला सागर, येलो सी। ये चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ये चाइना की कमर्शियल कैपिटल है शंघाई। तो चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला के बीच में एक सी है जिसको कहते हैं येलो सी। क्वेश्चन बना हुआ है कि व्हाई इट इज नोन एज येलो सी। ऑब्वियसली आपको पता है सी इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ एन ओशियन, तो येलो सी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। सो बिकॉज द रिवर यूज टू ब्रिंग सिल्ट विच इज येलो इन कलर, सो दैट्स वाई the here the color of the sea is little yellowish, hence the term yellow sea. जब नदियां अपने साथ इस इलाके में आती है तो येलो कलर की सिल्ट लेके आती है, तो वो जब सी में ड्रॉप करती है तो सी का भी कलर थोड़ा हल्का येलो टाइप का। देन पैसिफिक जो ओशन है, आपको तो पता ही है कि ये पूरा पैसिफिक ओशन है, याद है ना? ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कौन सी प्लेट है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये सेंट्रल अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। यहाँ पर क्या कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे पूरा एशिया है। अब हम इस इलाके की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये देखेंगे ये कौन सा इलाका है, सेंट्रल अमेरिका है, ये पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा है। तो यहां की जो प्लेट है उसको बोलते हैं कोको प्लेट, माइनर प्लेट है। क्या नाम है? कोको प्लेट। और कोको प्लेट में एक रिज है, समुद्र के अंदर एक रिज है जिसको कहते हैं कोको रिज। ये पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। इतना क्लियर? कोको रिज। और भी कुछ पैसिफिक ओशन की खासियत है, जैसा कि आपको पता है ये एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, इस साइड नॉर्थ अमेरिका, इस साइड साउथ अमेरिका और बीच में पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी कोरल रिज है, इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस रिज को हम कहते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ।
This reef is made by coral polypus. समुद्री मूंगे ने एक रीफ बनाई है, पहाड़ियां बनाई हैं, आइलैंड्स बनाए हैं. इसको हम कहते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ. नोट कर लीजिए, द ग्रेट बैरियर रीफ. पहली बात कहां है? पैसिफिक ओशियन में. पैसिफिक ओशियन में कहां है? ये मैंने बना दिया ऑस्ट्रेलिया. तो ये लोकेशन है ग्रेट बैरियर रीफ की. सो दीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ्स. समुद्री मूंगे द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे लंबी चट्टान है. एंड दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्ट्रक्चर मेड बाय ऑर्गेनिजम्स. इतना क्लियर? सो ग्रेट बैरियर रीफ कैन बी सीन बाय, कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस एंड इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म.